राधा रमन भगवान की जय। तो राधा रमन भगवान जी बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। आज बहुत सुंदर अभिषेक होता है राधा रमन जी का। सो बहुत ही छोटे से विग्रह हैं राधा रमन जी। श्री श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विग्रह हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में से एक हैं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। गौनिताय भगवान की जय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा रमन भगवान। सो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विग्रह हैं। आप सबको तो पता है ना। आप सब जान बहुत ही विद्वान भक्त हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा सेवित विग्रह हैं। और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गंडकी नदी में गए थे स्नान करने आचमन करने, तो वहीं पर ये शालिग्राम शिला मिली थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। सो वो उनकी सेवा करते थे। आज भी वो स्थान है जहाँ पर राधा रमन जी प्रकट हुए थे। और आज भी वो अन्य शिलाएं रखी हैं जिन कुछ शिलाओं में से राधा रमन जी प्रकट हुए थे। सबने दर्शन किया है? किसने किसने दर्शन नहीं की सबने किया है? किसने किसने किया है चलिए बताइए। राधा रमन जी जिन शिला से प्रकट हुए वो शिलाएं जहां रखी हैं, और राधा रमन जी का प्रागट्य स्थान पेड़ के नीचे। चलिए 50% ने किया है, 50% ने नहीं किया। कभी चलिएगा साथ में तो बहुत अच्छा सुंदर दर्शन होता है। वहीं पर श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि भी है वहीं पर, है ना। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। और राधा रमन जी की सेवा अभी भी गोस्वामी गण करते हैं। और बहुत ही छोटे से विग्रह हैं। और बताया जाता है कि इस्कॉन संस्था में जो पूजा अर्चना की जो पद्धति है वो राधा रमन जी मंदिर से ही लगभग लगभग फॉलो होती है। वहीं का स्टैंडर्ड, क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड, डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड वहीं से फॉलो किया जाता है। ठीक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा सेवित विग्रह। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत प्रेम करते थे। उनके प्रेम के कारण शिला में से भगवान उत्पन्न हो गए। किसके कारण? शिला में से। शिला में से भगवान उत्पन्न हो गए। कई लोग आजकल कोरोना में कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मास्क लगाए कोरोना रुके तो मैं ओढ़ूं तिरपाल। लोग आजकल कहते हैं अगर मास्क लगाने से कोरोना रुक जाए तो मैं तिरपाल बांध। सो भगवान को ना मानने वाले तो भगवान के ऊपर प्रश्न उठाते रहते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए शिला में से भी प्रकट हो जाते हैं। बहुत दुख का माहौल है ना। भगवान शिला में से भी प्रकट हो जाते हैं। शिला में से प्रकट हो गए राधा रमन देव जी, है ना। राधा रमन जी कितने सुंदर विग्रह हैं। उनके दर्शन करके ऐसा आनंद प्राप्त होता है। आप लोगों को अगर अनुभव हुआ हो तो आप लोग वो अनुभव करिए, कितना सुंदर आनंद। सब लोग पहुंच जाइए वहीं मंदिर में। पहुंचिए, आंख बंद करिए, सब पहुंचिए मंदिर में। पहुंच गए? बोल नहीं रहा है कोई? हाँ, भगवान सामने खड़े हुए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आहा, कितना सुंदर विग्रह। उनको देखते ही क्या है आनंद। राधा रमन जी को देख रहे हैं हम सब। देखिए देखिए, आंख भर के देख लीजिए राधा रमन जी को। राधा रमन जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आनंद देखिए, जब उनके बारे में स्मरण करके कितना आनंद मिलता है राधा रमन जी के विग्रह के बारे में। ये है राधा रमन जी। सो राधा रमन जी का आज आविर्भाव दिवस है, मतलब प्रकट हुए थे आज, प्राकट्य दिवस। राधा रमन जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से आप श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के कारण शिला से उदय हो गए, इसी प्रकार हमारे इस पत्थर जैसे हृदय में भी आप उदय हो जाइए। जब भगवान हमारे इस पत्थर जैसे हृदय में उदय हो जाएंगे तो जहां भगवान हो जाएंगे वहां पर भगवान जहां स्थान प्रदान कर प्राप्त कर लेंगे वहां से सारी गंदगी सब बाहर निकल जाएगी। क्यों? भगवान क्या है? भगवान क्या है? ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतरम शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मतलब उनका केवल स्मरण मात्र से क्या होता है, व्यक्ति बाहर से और अंदर से हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है। तो जब राधा रमन जी हमारे हृदय में निवास करने लगेंगे तो क्या होगा? सारा हृदय पवित्र, सब कचड़ा बाहर, इतना गोबर कचड़ा सब भरा हुआ है, स्टूल सब बाहर हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रार्थना करनी चाहिए राधा रमन जी से कि जिस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम प्रेम के कारण आप उदय हुए, इस प्रकार से वैष्णव आचार्यों की कृपा हम पर भी बने और हमारे हृदय में भी आप उदय हो। श्री श्री राधा रमन भगवान की जय।